गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 हम कर रहे थे स्टैंडर्ड 7 का, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन तक हमने कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 5 से आज करेंगे। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन फोर गेम्स। चार अलग गेम में प्लेयर ए, प्लेयर बी और प्लेयर सी में ने कितने रन, कितने पॉइंट स्कोर किए वो दिया हुआ है, और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं उसके आपको आंसर्स देने हैं। तो फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम। इसका एवरेज निकालना है यानी मीन निकालना है। मीन और एवरेज एक ही बात होती है, तो मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ए का है 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 और टोटल चार गेम है तो डिवाइड बाय 4, तो 50 डिवाइड बाय 4 करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज जो आएगा वो 12.5 आएगा। फिर जो सेकेंड क्वेश्चन है, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4। जैसे यहाँ पे हमने 4 से डिवाइड किया है, तो वो सी के लिए पूछ रहे हैं कि आप 3 से डिवाइड करेंगे कि 4 से डिवाइड करेंगे। तो सी ने गेम ए में 8 रन 8 पॉइंट स्कोर किए हैं, सेकेंड गेम में 11 पॉइंट, थर्ड गेम वो खेला ही नहीं है, डिड नॉट प्ले, और फोर्थ में 13। तो जब खेला ही नहीं है तो आप उसको 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, आप किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 1, 2, 3 तीन गेम में उन्होंने खेल के ये स्कोर अर्जित किए हैं, तो आप फोर्थ गेम में क्योंकि खेले ही नहीं है तो ये डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड बाय 3। और वाई पूछा है, बिकॉज इन वन गेम ही डिड नॉट प्ले, वो खेला ही नहीं तो उसका स्कोर कहां से आएगा, तो एक गेम में वो खेला ही नहीं है, तो आपको यहाँ लिख देना है कि हम डिवाइड किससे करेंगे, 3 से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी प्लेड इन ऑल द फोर गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। तो बी वाले का मीन निकालना है, तो बी का तो चारों गेम है, भले 0 है लेकिन ये काउंट होगा क्योंकि वो 0 पे आउट हो गए हैं। तो 0, 8, 6, 4 इन चारों को प्लस करना है। इसमें फॉर्मूला थोड़ा दूसरा बनाना है, सम ऑफ पॉइंट स्कोर अपॉन नंबर ऑफ गेम्स। आप चाहें तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी लिख लेते हैं। तो मीन बी का जो होगा वो सम ऑफ पॉइंट स्कोर अपॉन टोटल नंबर ऑफ गेम्स, तो 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4, इसको आप 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, वो खेला है लेकिन 0 स्कोर हुआ है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 डिवाइड बाय 4 यानी 9/2, काटेंगे 2 से तो इसका एवरेज जो आएगा, मीन आएगा वो 4.5 आएगा। फिर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। तो बेस्ट परफॉर्मर निकालने के लिए हमारे पास ए का एवरेज है 12.5 और बी का भी एवरेज है हमारे पास 4.5, तो सी का पहले हम एवरेज निकालेंगे। तो सी का जो मीन आता है वो 8 प्लस 11 प्लस 13, क्योंकि सी तीन ही गेम में खेले हैं तो 3 से ही निकलेगा, 8 प्लस 11 प्लस 13 डिवाइड बाय 3, तो सी का जो स्कोर आएगा 10.66 ऐसा आएगा। तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो ए बी सी 12.5, 10.66, 4.5, तो सबसे अच्छा जो है टीम ए इज द बेस्ट परफॉर्मर आएगा। उसके लिए सी का भी एवरेज मीन निकाल के फिर आप कंपेयर करेंगे, डायरेक्टली नहीं निकलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेनफॉल मैंने 8th कराया है और बाकी जो हैं वो होमवर्क में दूंगी, 6, 7 और 9 वो आपको खुद करने होंगे। तो मैंने यहाँ पे 5 और 8 कराया है। द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टन वीक वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो रेनफॉल दिया हुआ है मंडे को 0.0, ट्यूजडे को 12.2, फिर इस तरह से सारे दिए हुए हैं। तो फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबाउ डेटा। तो इसमें आपको रेंज निकालनी है। तो रेंज के लिए मैंने बताया है कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करना होता है। तो हाईएस्ट रेनफॉल है 20.5 और लोएस्ट है 0। तो अब रेंज कैसे निकलेगी, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 20.5 माइनस 0.0 तो 20.5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। तो मीन रेनफॉल के लिए ये होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आप सबको प्लस करके 7 से डिवाइड करेंगे, तो प्लस करने पे पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना है, तो 41.3 डिवाइड बाय 7, तो 5.9 जो है वो मीन रेनफॉल आएगा जो कि आपको निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, उसमें इन हाउ ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। कितने दिन तक रेनफॉल मीन रेनफॉल से लेस हुआ। तो हमारा जो रेनफॉल था उसको पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, 0.0, 0.0, ये टोटल 7 दिन का रेनफॉल असेंडिंग ऑर्डर में है। अब 5.9 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा जो कि मीन रेनफॉल था, सॉरी हाइट था ना, ये गलती से हाइट लिखा है मैंने, मीन रेनफॉल है ये। तो ये मीन रेनफॉल जो था वो 5.9 था, वो यहाँ आता है मीन रेनफॉल।
इससे लेस यानी इसके पहले वाले सारे दिन, एक दो तीन चार पांच, ऑन 5 days वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। पहले असेंडिंग में अरेंज कर लीजिए, फिर मीन वाली वैल्यू 5.9 कहाँ आएगी, इन दोनों के बीच में आएगी। तो इससे लेस यानी ये 5 के 5 दिन रेनफॉल मीन से लेस था, तो ये आपको लिखना था। फिर बुक में जो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 9 है एक्सरसाइज 3.1 का, वो आपको होमवर्क में करना है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इतना काम आप कंप्लीट करके रखिए। थैंक यू।